हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो T3X डिवाइस के अंदर आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक यूज़ करते हैं ताकि अपने फ़ोन को अनलॉक करने में आसानी हो। अपना फिंगर टच करते हैं तुरंत जो हमारा फ़ोन है अनलॉक हो जाता है, काफ़ी सिंपल होता है उसको खोलना, और जो लॉक है वो काफ़ी हार्ड होता है क्योंकि उसको कोई ओपन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप फिंगर ऐड करते हैं अपने फ़ोन में, फिंगर लॉक लगाते हैं तो वहाँ पे फिंगर ऐड करना होता है। उसके अलावा और भी सारे सेटिंग है जिसको इनेबल करके यूज करना होता है, तब जाके जो आपका फिंगर लॉक है वो काम करता है। तो आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगर प्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता देते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम अपने सेटिंग को ओपन कर लीजिए। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है, और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी का ऑप्शन। तो आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आ जाएंगे। तो आपको थोड़ी सी नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्क्रीन लॉक। दोस्तों, आप कभी अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगाएंगे तो उससे पहले आपको अपने स्क्रीन लॉक में कोई भी लॉक लगा लेना, पैटर्न या पिन कोई भी लॉक वहां पे लगा लेना। अगर आपके स्क्रीन लॉक में लॉक लगा रहेगा तभी जाके आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाएंगे। यहां पे स्क्रीन लॉक का ऑप्शन है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पे पहले स्क्रीन लॉक में पैटर्न या पिन कोई भी लॉक आप लगाएंगे। तो हमारे स्क्रीन लॉक में यहाँ पर पैटर्न लॉक लगा हुआ है और नीचे हमको मिल जाता है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन, तो हम इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड उसको एंटर करने को आ जाता है। तो यहाँ पे हम अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड उसको एंटर करेंगे और इसके बाद इस तरह से हमारे फ़ोन में आ जा रहा वीडियो दिखा रहा किस तरह से आपको अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे अपने फिंगर को टच करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देख लेना है किस तरह से अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे अपने उंगल को टच करना है, ताकि आप इस तरह से बार बार टच करके टच करेंगे तब जाके जो आपका फिंगर पूरा ऐड होगा यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फिंगर ऐड करना है। यहाँ पे हम अपने फिंगर को ऐड करेंगे। इस तरह से आपको फिंगर जो ऐड होगा आपको बार बार टच करते रहना है ताकि जो आपका फिंगर है पूरा ऐड हो पाए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा फिंगर ऐड हो रहा, और यहाँ पे आपको बार बार टच करते रहना। अब यहाँ पे जो हमारा फिंगर है ऐड हो चुका है और यहाँ पे डन का बटन आ रहा, इसको आपको डन कर देना है। और जैसे आप इसको डन करेंगे आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिंगरप्रिंट वन आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिंगरप्रिंट वन आ रहा। अगर इसके अलावा भी आप और भी उंगल का फिंगर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, दूसरे उंगल से भी आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ पे ऐड फिंगर पे आपको क्लिक करना है और फिर उसी तरह से आपको अपने फ़ोन में फिंगर ऐड कर देना है। इसके बाद दूसरे उंगल का भी फिंगर वो ऐड कर लेगा और दूसरे उंगल से भी आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको अपने ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है तो यहाँ पे आपको मिलता है प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन, इस बटन को आप इनेबल कर देंगे तो आपके एप्लीकेशन लॉक में भी फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।